स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में लुसेंट जीके का 19वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करें ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे उनके सामने उनका उत्तर दिया गया है। जहाँ पर ज़रूरत होगी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कलिकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया, मतलब कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगी कलिकट में, तो यहाँ पे इसको किसने स्थापित किया। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर कोई इंडिया में आता है विदेशी जो कि समुद्री मार्ग से आया हो, तो ये था वास्को डिगामा। और ये कब आया था, तो 1498 में। कहाँ पे आया, तो कलिकट में। कलिकट कहाँ पे है, तो केरल में। इसका भव्य स्वागत किया गया और ये लोग यहाँ पे अपनी फैक्ट्री भी लगाए कलिकट में, और ये लगाने का श्रेय मिलता है वास्को डिगामा को ही। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा ने तो इंडिया की खोज कर दी। अब खोज का मतलब ये कि ये समुद्री मार्ग से इंडिया पे आ गया, मतलब कि इंडिया की खोज हो गई। तो इसी तरह अमेरिका की खोज किसने किया था, ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछा गया है। तो अमेरिका की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित की। तो देखिए जो डच आए थे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई 1605 ईस्वी में, और इन्होंने स्थापित किया था मुसलीपट्टनम में। आपको एक चीज़ बता दें, जो इनका सीरियल वाइज क्रम है, मतलब कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक ट्रिक वाली वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें ट्रिक से आप जान पाएंगे कि कौन पहले आया कौन उसके बाद आया। तो आप वो ट्रिक वाली वीडियो जरूर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जीके ट्रिक इन हिंदी वाला सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे सरकारी एग्जाम डॉट मी, ये भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो ये था टॉमस स्मिथ। यहाँ पे देखिए शुरुआती में ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 के करीब यहाँ पे आई थी, 1600 के करीब में, 1611-12 के करीब करीब, तो यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इसका काम था केवल व्यापार करना। यहाँ पे ये लोग आए तो यहाँ पे अपनी कंपनी नहीं बनाए, इन्होंने अपना वेयर हाउस बनाया था। वेयर हाउस, अब वेयर हाउस का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप स्टोर रूम समझ सकते हैं, स्टोर रूम बना दिया गया और अब जो भी सामान ब्रिटेन से आता था वहाँ पे रखा जाता था और वहाँ से पूरे देश में फैलाया जाता था। अब ये वेयर हाउस कहाँ पे था, तो ये था सूरत में। ये भी पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो सूरत में। दरअसल वो फैक्ट्री थी ही नहीं, यह एक केवल वेयर हाउस था, मतलब कि एक गोदाम था, आप गोदाम कह सकते हैं सीधे सीधे भाषा में। अगला क्वेश्चन कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी। तो ये था हॉकिंग्स। हॉकिंग्स जो कि पहले आया था, तो जब हॉकिंग्स आया, जहांगीर उस समय राजा था। आप देखेंगे कि 1605 से 1627 के बीच में जहांगीर ने राज किया, जो कि अकबर का बेटा था। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जहांगीर किसका बेटा था, अकबर का। तो जब इसने राज किया और इसी टाइम पीरियड में जब मतलब कि अंग्रेज आना चाहते थे, तो सबसे पहले हॉकिंग्स आए, तो इन्होंने मतलब कि जहांगीर से परमिशन मांगी, लेकिन जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दी। और इनको जहांगीर ने खान साहब भी कहा, लेकिन इसके बाद एक और व्यक्ति आए, थॉमस रो, थॉमस रो करके व्यक्ति थे, जब वो आए तो उनको जहांगीर ने परमिशन दे दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने परमिशन किसको दी, तो ये थे सर थॉमस रो। किसको परमिशन नहीं मिली, तो ये थे विलियम हॉकिंग्स। अगला क्वेश्चन कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, मतलब कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, तो इसमें उसका कारण ये था कि जो अंग्रेज थे ये फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिग्रहण कर लिए थे, ले लिए थे, और यही इसमें जो युद्ध का कारण बना। देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए हैं इंडिया में भी, और इसका कई कारण रहा है। कई बार तो यहाँ का मतलब कारण रहा, कई बार अमेरिका का कारण लेकर के यहाँ पर युद्ध हुए, और कई बार यहाँ पे ये लोग दो राजाओं का साथ पकड़ लेते थे, वहाँ से भी युद्ध होता था,
अब दो राजाओं का साथ पकड़ने का क्या मतलब, मान लीजिए एक ये राज सम्राज है, यहाँ पे एक इनके भाई हैं और इनका एक बेटा है, इनका एक बेटा है। इनके मरने के बाद अब एक जो अंग्रेज थे इनके तरफ से खड़े हो जाते थे कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम ही राजा बनोगे। दूसरी जो फ्रांसीसी थी इनके साथ खड़े हो जाते थे कि नहीं नहीं अब तो आप ही को राजा बनना चाहिए, वो आपके भाई थे। तो इस तरह अब इनका जो उत्तराधिकार में ये लोग हस्तक्षेप करने लगे, कई बार धर्म के मामले में भी हस्तक्षेप किया गया। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका तात्कालिक कारण धर्म में हस्तक्षेप करना था। अब धर्म में हस्तक्षेप करने का क्या मतलब है कि मतलब कि ये लोग क्या करते थे कि गाय और सुअर की चर्बी लगा दिए, और आपको पता होगा कि गाय हिंदू धर्म में मतलब कि गाय को माता माना जाता है और जो सुअर है वो मुस्लिम धर्म में बैन है। तो यहाँ पे धर्म में हस्तक्षेप के कारण जो 1857 की क्रांति हुई ये हुई, इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कर्नाटक युद्ध की, तो कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था कि जो अंग्रेज थे इन्होंने फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया। एक चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा घुमाओ वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो भारत का राजा मतलब कि दिल्ली का राज काज कौन देख रहा था, तो सभी को पता है कि जहांगीर देख रहा था, क्योंकि जहांगीर ने जब परमिट किया तो जाहिर सी बात है कि जहांगीर के काल में ही वो लोग आएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब भारत में किसका रूल था, तो अगर ये पूछा जाएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ध्यान दीजिए शब्द पे बनी, तब किसका रूल था, तो इसके लिए सही उत्तर होगा अकबर का, क्योंकि ये करीब 1600 के ईस्वी में बन गई थी, और बनी कहाँ पे थी, तो ब्रिटेन में। अब जब यहाँ पे ये बनी थी तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अकबर का जो टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 के बीच है, तो यहाँ पे इसी के बीच 1600 पड़ेगा, यानी कि अगर पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी तो किसके टाइम पीरियड में, तो ये था अकबर, और किसके टाइम पीरियड में भारत आई तो ये था जहांगीर। अब आज के लिए आपका एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए जहांगीर के बड़े बेटे या फिर जो भी इसका बेटा था उसका नाम क्या था, जहांगीर के बेटे का नाम क्या था, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सबसे उत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो देखिए ये है एक पदार्थ है सोरा, और इसी तरह अफीम तो सबको पता है, तो ये था बिहार, और बिहार से प्राप्त हुआ था सबसे पहले किसको, यूरोप वासियों को। अगला क्वेश्चन कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ पे लगाई, 1613 में, कहाँ पे, सूरत में। टाइम पीरियड किसका था, तो जहांगीर का था, क्योंकि जहांगीर का जो राजकाज का टाइम पीरियड है ये यही है। अब यहाँ पे जहांगीर के टाइम पीरियड में ही ये लोग अपने जो कंपनी था या वेयर हाउस था इन्होंने लगा दिया था सूरत में। और अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बता दें, जो जहांगीर था इसकी पत्नी का क्या नाम था, ये भी कई बार पूछा गया है, तो जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। दरअसल ये एक दरबारी थे और उनकी ये पत्नी हुआ करती थी, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई दरबारी की तो ये मतलब कि जब इनको देखा तो इनसे शादी कर लिया, मतलब कि सीधा सीधा समझिए कि नूरजहां की विधवा थी जिनसे जहांगीर ने शादी करके इन्हें अपनी बेगम बनाया, और ये इनको नाम दिया नूरजहां, क्योंकि इसके पहले इनका नाम नूरजहां नहीं था, जहांगीर जब इनसे शादी कर लेता है तब इनको नाम दिया गया नूरजहां। अगला क्वेश्चन कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था। अब दीवानी का मतलब क्या होता है, देखिए दीवानी का मतलब ये कि यहाँ पे जो शाह आलम द्वितीय थे जो कि मुगल शासक थे, इन्होंने इनको टैक्स वसूलने का काम भी दे दिया, कई बड़े बड़े काम दे दिया गया, तो ये दिया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा, हालांकि इनकी कुछ मजबूरियाँ थी। अगला क्वेश्चन कि बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर कौन सी है, तो यह है हुगली, और हुगली मतलब कि आपको पता है हुगली मतलब कि बंगाल की है कलकत्ता। अगला क्वेश्चन कि यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, अब ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली, सबसे अंत में कौन आया, तो फ्रांसीसी, सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन गया, तो बाद में गए पुर्तगाली, कब गए, तो 1961 में। अब देखेंगे कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी ये यहाँ पे बने रहे, और एक खास चीज़ आपको बता दें इन पुर्तगालियों के बारे में, ये लोग मतलब कि गोवा में ही सिमट के रह गए, कारण ये था कि इनकी जो नेवी थी, नेवी मतलब कि जल सेना, ये बेहद मजबूत थी,
ये मतलब कि जमीन पे उतना मजबूत नहीं थे लोग, लेकिन उनकी नेवी बहुत मजबूत थी। और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बावजूद भी ये इंडिया में बने रहे कुछ सालों तक। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए। अगला क्वेश्चन कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो देखिए क्वेश्चन आ गया और इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो ये थे अकबर। और क्यों? क्योंकि 1600 के करीब में बनी, और आपको पता है कि जो अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 के बीच में है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे वीडियो में कहीं कहीं पे कुछ ऐड आ रहा होगा और आपको स्किप करने के लिए बोला जाता है, तो आप इसे स्किप मत किया करिए। क्योंकि स्किप नहीं आप करेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये कि आपको 10 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड का रेस्ट मिलेगा, दूसरा ये कि इसी ऐड से चैनल को रिवेन्यू मिलता है, जिससे कि हम फ्री में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। और रही स्टडी मटेरियल की बात, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन पीडीएफ में आपको केवल यही जानकारी मिलेगी, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा करिए, उसके बाद जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में सरकारी एग्जाम डॉट मी, तो आप यहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी पीडीएफ अपलोड है ऑलरेडी जो भी वीडियो का, आप उसे भी जाके डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो ये था गोवा। हमने अभी आपको बताया कि पुर्तगाली गोवा में ही सिमट कर आ गए थे। अगला क्वेश्चन कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो अभी यही क्वेश्चन ऊपर आया था यहाँ पे, तो ये था अकबर। और अगला कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया, तो सूरत में। अब देखिए फ्रांसीसियों से एक क्वेश्चन अभी आया था कि वो फ्रांसीसी हैं जो कि स्वतंत्रता से पहले भारत में अंत में आए, तो सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी आए। और मतलब कि इन्होंने अपना कारखाना कहाँ लगाया, तो सूरत में लगाया। इनका टाइम पीरियड करीब करीब 1700 के आसपास है। ये आपसे नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि कहाँ पे इन्होंने लगाया और सबसे लास्ट में आए। अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो ये था वांडीवास का युद्ध, जो कि हुआ था 1760 में। तो यहाँ पे आपसे यही पूछ लिया जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में। या फिर ये पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा अगर डीप क्वेश्चन बनेगा तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किसके किसके बीच हुआ, तो फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के बीच। कौन हारा? तो फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज जीत गए। अगला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी देखा जाए तो 1857 की क्रांति तक, यहाँ तक राज की, जब से आई 1613 से लेकर के यहाँ तक लगभग आप देखेंगे कि 230 सालों तक। तो यहाँ पे इसका एक हमेशा जैसे कि पहले गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, इस तरह के नाम बदलते रहे। तो इनके बाद जो आता था उसे उसका उत्तराधिकारी कहा जाता था। तो जो कि रॉबर्ट क्लाइव है, तो इसका उत्तराधिकारी था वारेन हेस्टिंग्स। वैसे आप अगर हेस्टिंग्स भी याद करते हैं तो बुरा नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आपको इतना ट्रिक करने के लिए काफ़ी है। पूरा नाम था वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। तो ये था फ्रांसिको डी अल्मोड़ा। अब यही फ्रांसिको, ये पुर्तगाली है, और इनका पहला कौन था? फ्रांसिको डी अल्मोड़ा। तो बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौलवी के स्थान पर हराया था। नाम देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ पे कुछ लोग इसको सॉली भी कहते हैं, कुछ स्वाली भी कहते हैं। तो यहाँ पे पुर्तगालियों को हराया गया था, तो यहाँ पे किस अंग्रेज ने हराया, तो ये था थॉमस बेस्ट ने। और अगला क्वेश्चन कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो ये किया गया था वास्को डिगामा के द्वारा। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कब भारत में आया था? 1498 में। कहाँ पे आया? तो केरल में। केरल में कहाँ पे? तो कलिकट में। देखिए आपको इसी तरह ज्वाइन कर करके क्वेश्चनों को पढ़ना होगा। और अगर आप हमें इस मतलब कि चैनल पे फॉलो करते हैं, तो इस तरह के हमने 50 से अधिक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगी। अगला क्वेश्चन कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, अभी आपने देखा था पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो जो तृतीय कर्नाटक हुआ ये हुआ एंग्लो और फ्रेंच के बीच में।
तो इसकी समाप्ति कौन से संधि से हुई? तो ये हुई पेरिस की संधि से। देखिए जब भी कोई युद्ध होता था तो उसके बाद एक समझौता होता था, संधि होती थी। अगला क्वेश्चन कि जब 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कलकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो ये स्वागत किया गया था जो राजा थे कोझिकोड के जमोरिन, इनका अच्छे से स्वागत किया गया और ये उस समय अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे आके खोले। तो यहाँ पे आपको इन राजा का नाम याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जब डीप क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछ लिया जाता है। ये थे राजा जमोरिन, कहाँ के थे? तो कोझिकोड के, मतलब कि जो कलकत्ता था यहीं पे कोझिकोड है। तो यहाँ पे ये राजा का नाम आपको याद रखना होगा। रही बात कि आपको जो चीज़ हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो कैसे याद होगा, तो आपको इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे नोट्स बनाएं, अगर आप 3 से 4 बार देख लेते हैं तो हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो तो आपको याद हो जाएगा। बाकी ये जो डाटा है ये तो आप पीडीएफ में पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो ये था कलिकट। अभी आपने देखा था कि जो वास्को डिगामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन कि 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया? तो ये था फारूक सियार। देखिए यहाँ पे फारूक सियार का ये मतलब था कि आप जीएसटी देख रहे हैं ना, सेम टू सेम जीएसटी को समझ जाइए। इसने फारूक सियार ने ये कर दिया कि इसके यहाँ जो भी मतलब कि छोटे छोटे, जैसे कि एक एक पूरा प्रदेश है इसके अंदर छोटी छोटे छोटे पार्ट है, यहाँ पे हर जगह टैक्स वसूला जाता था क्योंकि हर जगह इनके लोग थे। ये लोग टैक्स वसूल वसूल के जो मेन राजा था फारूक सियार उसको भेजते थे, लेकिन जो फारूक सियार था इसने कहा कि आपको कहीं टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे हमें टैक्स देंगे। मतलब कि जो जीएसटी का फार्मूला है वही यहाँ पे लगा दिया गया और यही सबसे बड़ा गलत कदम था और अंग्रेजों के लिए यही फायदा साबित हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1613 में। राजा कौन था? तो जहांगीर था। इसके बीवी का क्या नाम था? नूरजहां। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1605 से 1627 तक। और ये जो कंपनी है कब तक रूल की? तो ये थी 1857 तक, क्योंकि इसके बाद इस जो इंडिया है इसको कंपनी के रूल से हटा दिया गया, अब सीधे जो ब्रिटेन की संसद थी उसके अंडर में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो ये थे पुर्तगाली। और कौन आया था? तो वास्को डिगामा। कहाँ आया? कलकट आया। राजा जमोरिन इनका स्वागत किए थे और सन था 1498। अगला क्वेश्चन कि वास्को डिगामा कहाँ पे उतरा था? तो कलकट में। वास्को डिगामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल में। देखिए जो क्वेश्चन जितना महत्वपूर्ण है वो उतना ही बार रिपीट हुआ है, आप देख रहे होंगे कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो ये था सर थॉमस रो। अब ये जो सर थॉमस रो था इसको परमिशन मिल गई थी, और इसके पहले एक आए थे हेस्टिंग्स, इनको परमिशन नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन कि भारत के 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये था उच्च मध्य वर्ग तक। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली? तो ये थे रामचंद्र विद्यावागीश। अब देखिए राजा राम मोहन राय, इनसे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो ये था ब्रह्म समाज। कब स्थापना की? 1828 में। राजा राम मोहन राय का कोई विशेष कृति बताइए। तो इन्होंने क्या किया था कि जो सती प्रथा थी इसको बैन करा दिया था। सती प्रथा के बारे में सबको पता है कि मतलब कि जब पति मर जाता था तो औरत को जबरदस्ती उसके चिते पर रख दिया जाता था, तो ये था एक सती प्रथा जिसको बैन कराया गया राजा राम मोहन राय के कहने पे। और अगर पूछा जाए कि कौन था वहाँ पे, तो लॉर्ड विलियम बैटिक था जिसने कि बंद किया। तो राजा राम मोहन राय से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में है कि जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना किसने की? तो मतलब कि इसकी बागडोर किसने संभाली? तो ये थे रामचंद्र विद्यावागीश। अगला क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये था हिंदू कॉलेज। अगला क्वेश्चन कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये था राजा राम मोहन राय थे, अभी हमने आपको बताया है। और अगला क्वेश्चन कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये थे सर सैयद अहमद खान।
तो अभी वीडियो बाकी है, लेकिन अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वीडियो पर 10% भी लाइक नहीं मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो इसे शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि इतने लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब कि इतने लोगों को अच्छा लग रहा है। हमें ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, इतने क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि आर्य समाज के किसके विरुद्ध है, जो आर्य समाज था ये किसके विरुद्ध था? तो ये था धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। देखिए, आर्य समाज मतलब कि क्या है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, ठीक। और ये किसके द्वारा किया गया, ये भी आपसे पूछता है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब? 1875 में। टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। तो ये आपको जानना होगा दयानंद सरस्वती से। इन्होंने इनकी एक टैग लाइन थी, मतलब कि कहावत, तो ये था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम हर चीज़ लिख नहीं पा रहे हैं, लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब गो बैक टू वेदास का मतलब क्या है? वेदों की ओर लौट चलो। इनका कहना ये था कि हम लोग बहुत गलत मतलब की तरफ आ गए हैं, हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए, वेदों में जो कहा गया है हमें मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि जो युवा बंगाल आंदोलन था, यंग बंगाल मूवमेंट, इसके नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेजोरियो। अगला क्वेश्चन कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया? तो ये था सन 1882, और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो अडयार में। अब 1882 से आपको कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। देखिए, 1882 से नहीं, 1881 वही टाइम पीरियड है जब से आपकी जो जनसंख्या है वो काउंटिंग शुरू कर दी गई हर 10 साल के लिए। और इसके पहले, सबसे पहले जब जनसंख्या काउंटिंग की गई थी, तो सन था 1872। अगला क्वेश्चन कि किस स्थान पे महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ये थे रामास्वामी नायकर। तो ये पहले गांधी जी के सहयोगी थे, बाद में उनसे अलग हो गए। अब देखिए, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। बेहद आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपको कमेंट करके बताना है कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अब अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? जो अल्बुकर्क था उसने गोवा को छीन लिया, तो ये किससे छीना था? तो ये छीना था बीजापुर के सुल्तान से, और कब? तो 1510 में। अगला क्वेश्चन कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कब स्थापित हुई? तो ये था 1400, देखिए यह गलत लिखा गया है, 1498 में तो आई, तो यहाँ पे 1498 कहिए या फिर 1500 कहिए। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब आई? तो ये था 1600, और यहाँ पे कब आई, यहाँ पे इंडिया में, तो 1613 में। यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कब आई? तो 1602 में। ये स्थापित हुई की बात हो रही है, इंडिया में कब आई उसकी बात कहीं नहीं हो रही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कब आई? तो ये था 1664 में। यहाँ पे इंडिया का हम टाइम पीरियड बता रहे थे, 1498 या फिर 1502 के करीब करीब इंडिया में थी। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक भारत के हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने चलाया था? तो ये था ब्रह्म समाज, और ये ब्रह्म समाज के मतलब कि इनको बनाने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कब बनाया था? तो 1828 में। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, कि मतलब कि भगवान एक है। और इन्होंने 1829 में सती प्रथा का बैन कर दिया, उस समय जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिक। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी एक मिनट पहले इसको बताया था अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का क्या नाम था? तो ये रामकृष्ण परमहंस था। और जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था तो ये भारत की तरफ से भाग लिए थे, आपको उनका टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था और जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, तो इसके लिए वो टाइम पीरियड है 1893। अब ये पूछा जाता है कि जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस,
इनके नाम पे इन्होंने एक आश्रम बनाया, रामकृष्ण आश्रम। तो ये आश्रम कहाँ पे है? तो ये है बंगाल में, आज भी है। और यहाँ पे ये आश्रम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1897 में। स्वामी विवेकानंद के नाम पे 12 जनवरी को हर साल एक डे मनाया जाता है। इसका क्या नाम है? ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन होगा। इतना आसान हमने कर दिया, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। 12 जनवरी को हर साल स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक डे मनाया जाता है, तो इसका क्या नाम है? ये आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो ये था कि जो दंभी ब्राह्मण थे और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा की गई, जो दंभी ब्राह्मणों थे उनसे। अगला क्वेश्चन, कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, अब वेदों की तरफ लौट चलो, तो ये कहा गया था आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए, आपको हर जगह हम बता रहे हैं ताकि भूले नहीं, आर्य समाज के संस्थापक थे। कब स्थापना हुई? 1875 में। गो बैक टू वेदास इनका जो टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन, कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये है महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन, कि स्वामी विवेकानंद कौन से स्थान पे हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये था शिकागो। कब हुआ? तो 1893 में। शिकागो मतलब कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, तो उनका मुख्य काम कौन सी दिशा में था? तो ये समाज सुधार के लिए काम किए थे, सती प्रथा को बैन कराया। उस समय कुछ लुटेरे थे जो बहुत एक्टिव हो गए थे, तो उनको भी लॉर्ड विलियम बैटिक से मतलब कि काम करवाया, उनको भी हटाने का। अगला क्वेश्चन, है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय, क्योंकि अभी आपने देखा था कि ये बाद में चले गए थे ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। वैसे देखा जाए तो सभी क्वेश्चन उतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था विवेकानंद के द्वारा। आप इस वीडियो में बने रहिए, देखिए लास्ट में हम आपको अपनी वेबसाइट दिखाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ पे जाके क्या चीज़ डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? तो ये था पटना। और भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया? तो ये था 1843। अगला क्वेश्चन, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये था विलियम बैटिक, इसने अंग्रेजी शिक्षा के लिए काम किया। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, इसकी स्थापना किसने की? तो ये किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सामाजिक सुधार के लिए काम किया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बैन कराया। इनकी डेथ हुई थी इंडिया के बाहर। इतना चीज़ आपको राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेना चाहिए, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है राजा राम मोहन राय। और कन्याकुमारी का राक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो ये है स्वामी विवेकानंद। अब इनका बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। अब इनके गुरु का नाम हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम वही पूछ रहे हैं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आप हमें कमेंट कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन, कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? अगला क्वेश्चन, कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, कि शारदा मणि कौन थी? तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अब देखिए, रामकृष्ण परमहंस मतलब कि कौन? स्वामी विवेकानंद के गुरु। अगला क्वेश्चन, कि ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये किया गया था बाजीराव सेकेंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर, हमने वीडियो के पहले ही बता दिया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पे कब्जा कर लिया था, तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या फिर नहीं? तो देखिए, ये नहीं है, क्योंकि पुर्तगालियों तो 1498 में यहाँ पे आए, यहाँ पे लोग कब्जा बाद में किए, करीब करीब 1500 के करीब इन्होंने कब्जा किया, लेकिन 1498-99 में तो ये केवल एक व्यक्ति आया था। अगला क्वेश्चन, कि वह पुर्तगाली कौन है जिसने गोवा पे अधिकार किया था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। और अगला क्वेश्चन, कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। और यहीं पर आर्य समाज पूछता तो दयानंद सरस्वती। टाइम पीरियड तो 1875।
वेदों की ओर लौट चलो। तो ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसे किया गया था, तो ये था पुर्तगालियों के द्वारा। देखिए सभी लोग कम से कम एक एक कमेंट करिए, हमें एक एक कमेंट करके बताइए। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो तो आपको बताना ही है, लेकिन एक एक कमेंट करिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पे जाके आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या आप इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। 18 पार्ट तो ऑलरेडी अपलोड हैं, लेकिन आने वाले वीडियो में आपको इसका जो भी सुधार है वो आपको मिलेगा। इसी तरह हमने स्पीडी जीके के लिए भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और इसके लगभग 30 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, लगभग 3000 क्वेश्चन, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताइए। तो देखिए पहले हुआ था अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो जाहिर सी बात है जो पहले आएगा वही करेगा। टाइम पीरियड 1498, कौन था, वास्को डिगामा, कहाँ पे आया, कलकत्त में, और किसने इनका स्वागत किया, तो राजा जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति किससे प्राप्त की, तो ये था जहांगीर, और जहांगीर ने किसको परमिशन दिया, सर थॉमस रो को, सर थॉमस रो को। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि पे किस बेसवा ने साइन की, तो ये थे बाजीराव देशिकैंड। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आप लोग एक एक शेयर करेंगे तो अधिक शेयर हो जाएगा, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। इस तरह की और भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। तो इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।